हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे जीव विज्ञान के एक और नए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करने वाले हैं पादप अनुवांशिकी से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये जीव विज्ञान का पार्ट 13 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, उनका प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन भी कवर करवाने वाला हूं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पादप अनुवांशिकी से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। क्वेश्चन है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है, तो इसको बोलते हैं अनुवांशिकी। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो सही आंसर है मेंडल को। किसको? मेंडल। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर है जोहानसन ने। किसने? जोहानसन ने। वंशागति की इकाई है, क्वेश्चन है वंशागति की इकाई है, तो ये होती है जीन। ठीक है, वंशागति की इकाई क्या होती है? जीन। मेंडल ने किस पौधे पर संक्रमण प्रयोग किया? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, गार्डन पी। कौन सा पौधा था ये? गार्डन पी। बारबेरा मैकिलटोंग किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, यानी कि मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुवंशिकता का नियम। अनुवंशिकता का नियम, ध्यान रखिएगा, ग्रेगर मेंडल, इनका नाम एग्जाम में बार बार आपको रिपीट होता दिखता है दोस्तों। अनुवंशिकता का नियम इन्होंने दिया था। मेंडल द्वारा प्रतिपादित अनुवंशिकता की तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंधित स्थापित करते हैं। क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित अनुवांशिकता के की तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं, तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन एवं प्रभाविता एवं अप्रभाविता का। ठीक है, नेक्स्ट है, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि? देखिए, मटर का पौधा और मेंडल, इन दोनों का नाम हमेशा आपको जरूर जुड़ा मिलेगा हर बुक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि? सही आंसर है ऑप्शन सी, इनमें बी पर्यायी लक्षण उपस्थित हैं। इनमें बी पर्यायी लक्षण उपस्थित थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। मेंडल के नियमों का एक अपवाद है, सही आंसर है ऑप्शन डी, सहलग्नता। अगला क्वेश्चन है, मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 3:1 में होता है मोनोहाइब्रिड अनुपात। जीन्स बने होते हैं, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जीन्स बने होते हैं, तो ये होते हैं डीएनए के। किसके? डीएनए के। सन 1959 यानी कि 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है ये दोस्तों। नोबेल पुरस्कार विजेता है कौन वर्ग? ठीक है, कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय है, स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय है, तो देखिए इसका अभिप्राय है एक माता पिता के लक्षणों को पृथक होना, ये स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय इससे है। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था, क्वेश्चन है मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था, सही आंसर है ऑप्शन डी,
उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था इसलिए, ठीक है। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या है, उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नाम ही इम्पोर्टेंट है हरगोविंद खुराना जी का। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी, जीन संश्लेषण के लिए। किस लिए, जीन संश्लेषण के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, खुराना ने, यानी कि हरगोविंद खुराना जी ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। देखिए स्टेशन मास्टर में क्वेश्चन पूछा गया है गुड्स गार्ड में, ये सही आंसर है ऑप्शन डी, जोहानसन ने। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। राइट आंसर है बैटसन, बैटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रोमोसोम में। देखिए आरआरबी यानी कि रेलवे टीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, एंड के सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड हैं, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा है, क्वेश्चन है जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा है। राइट आंसर है बैटसन, ठीक है। इससे पहले देखिए क्वेश्चन था अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया, किसके द्वारा, बैटसन के द्वारा। और इसी क्वेश्चन को देखिए दोबारा से रेलवे के बाद फिर एसएससी में पूछा गया कि अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा है, सही आंसर है बैटसन। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यही एंड होता है, उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।